अभी ये न्यू फोन में मैं फर्स्ट शूट कर रही हूँ, फर्स्ट सीन, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इसमें इतना क्लियर व्यू आ रहा है। व्हाट हैपेंड दैट? तो अभी हम जाएंगे PTS और वहाँ पर भी लेंगे सबसे, तो मैं वो सब भी शूट करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे बाद में। आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि इस फ़ोन में ये फर्स्ट टाइम शूट हो रहा है, इसलिए इसका यूट्यूब भी बहुत सुंदर है और इसमें बेबो भी बहुत सुंदर है। से हाय। हाय। चलो हाँ ठीक है, ले लेंगे। बेबो हाय कर दो। एवरीवन, वेलकम ऑन इंडियन ब्लॉगर सुनीता। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ और ये है मेरा न्यू फ़ोन जिससे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, एंड इट्स ओप्पो F7 एज आई हैव शोन यू इन द क्लिप्स। बट सो लेट्स स्टार्ट विद माय फर्स्ट वीडियो ऑन दिस फ़ोन। आई डोंट नो, मेरा फेस इतना क्लियर आ रहा है इसमें। आई डोंट नो, द स्क्रीन इज़ सो क्लियर, एवरीथिंग इज़ सो क्लियरली विजिबल। आई डोंट नो, उसके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करने वाली हूँ और वो है मेरी ब्लीच क्रीम, कि मैं कौन सी ब्लीच क्रीम यूज़ करती हूँ। वैसे तो मैं नेचुरल ब्लीचेस ही यूज़ करती हूँ, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाली, जो मैंने अपने फेशियल होम फेशियल में दिखाई है, आप लोगों के साथ शेयर भी की है। लेकिन कभी कभी जब कोई फंक्शन होता है या कुछ होता है तो मैं एक मार्केट क्रीम भी यूज़ करती हूँ, विच इज़ बेस्ट फॉर समर्स। समर्स में इस क्रीम का बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है, इस ब्लीच का बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है समर्स में। और ये देखिए, ये है VLCC की इंस्टा ग्लो हर्बल ब्लीच। ये बहुत अच्छी ब्लीच है फ्रेंड्स, अगर आप पार्लर जाते हैं और ब्लीच कराने के लिए, वहाँ पर अगर ये ब्लीच है तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आई एम श्योर आप ट्राई कर कीजिए ये ब्लीच। ऑक्सी से ज़्यादा अच्छी ब्लीच है ये। मैं हमेशा ऑक्सी कराती थी पहले, बट जब से मैंने ये कराई है, एक्चुअली व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट विद दैविक, तो तब मैंने ये ब्लीच करवाई थी, क्योंकि ब्लीच की जो स्मेल होती है उससे वॉमिटिंग आती है। सो इट्स वेरी गुड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स ऑल्सो, एज क्लियर इट टू यू दैट इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। एंड जब मैं प्रेग्नेंट थी, सो जस्ट बिफोर डिलीवरी आई वेंट टू माई फ्रेंड फॉर द ब्लीच, एंड इट्स मेड विद कुकुम्बर्स एंड रोज पेटल्स। और तो वहाँ पर मुझे मेरी फ्रेंड ने मुझे ये ब्लीच सजेस्ट की थी कि इस ब्लीच में कोई स्मेल नहीं है और आप तुझे प्यूकिंग जैसा कुछ लगेगा नहीं, यू विल नॉट फीलिंग लाइक थ्रोइंग इट एंड जस्ट ट्राई इट। तो मैंने ये ब्लीच ट्राई की एंड आई रियली लाइक्ड इट, बहुत अच्छी है। और घर में ब्लीच करने का क्या प्रोसीजर है वो मैं आज आप लोगों के साथ आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लीच एट होम एंड बेस्ट ब्लीच फॉर समर। हमेशा ब्लीच में फिंगर से ही मिक्स करना चाहिए और हमें तब तक इसको मिक्स करना है जब तक हमें लगे कि एक्टिवेटर के जो दाने हैं वो अच्छे से इसके अंदर क्रीम के अंदर डिसॉल्व हो गए हैं, तब तक हमें उसको फिंगर से मैश करते रहना चाहिए, अदरवाइज हमें बहुत इचिंग होती है। एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स कि ये जो ब्लीच है इससे आपको ज़्यादा इचिंग नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्लीचेस। तो फिर से बोलूँगी कि स्पॉन्सर्ड नहीं है इसलिए इतनी तारीफ़ कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने फिंगर के सपोर्ट से ये ब्लीच जो है अपने फेस और नेक पर अप्लाई कर ली है और ऐसे ही आप लोग भी कर लीजिए। बस हमें अंडर आई एरिया का ध्यान रखना है और आईब्रोज़ का, कि आईब्रोज़ इसमें आईब्रोज़ के ऊपर ब्लीच ना हो और अंडर आई एरिया में ना हो, आँखों से थोड़ा दूर ही रहे। आईब्रोज़ के ऊपर से लेके ये सर्कल अभी छोड़ना है, लिप्स छोड़ने हैं और हम पूरे फेस पर ऐसे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ एक टिप भी शेयर करना चाहती थी, जिन लोगों की जो कोहनियाँ हैं
घुटने हैं और अंडर आर्म्स जिनके ब्लैक हैं, काले पड़ गए हैं, कई बार होता है कि स्किन हमारी कहीं कहीं से काली पड़ जाती है, तो जिनका जिनको ये प्रॉब्लम है उनके लिए मैं मेरे पास एक टिप है कि आप नींबू जो होता है आप नींबू यूज़ कीजिए। यूज्ड नींबू का जो छिलका जो होता है आपको उसको अपनी कोहनियों पर रब करना है, एज़ इट इज़ उसमें कुछ मिक्स नहीं करना है, सिर्फ नींबू के छिलके को रब करना है अपनी कोहनियों पर, अपनी घुटनों पर और अपने अंडर आर्म्स में, तो आप देखेंगे कि जो स्किन जो है वो नेचुरली अच्छी हो जाती है। और आप की ब्लीच अगर बचती है, जैसे मेरी तो अभी बची ही नहीं है, तो अगर आपकी ब्लीच बचती है तो आप उनको अपने नकल्स पर, हैंड के पीछे के एरिए, बैक एरिए पर, अपनी एल्बोज, नीज एंड अंडर आर्म्स में आप ब्लीच भी कर सकते हैं, उससे आपके ये जो पोर्शंस हैं वो इंस्टेंटली ग्लो करेंगे, वाइट हो जाएंगे और अच्छे लगेंगे। तो जो भी आप स्लीवलेस पहनेंगी और कुछ भी करेंगी तो उसमें आपको सब कुछ अच्छा ही लगेगा। Bhavik is coming, I guess. Bhavik. क्या हुआ, क्या हो गया पिच्चू को? लुक एट हिम। यश हाय कर दो। ब्लीच अप्लाई करने के बाद हमें 10 मिनट्स तक वेट करना होता है। Bhavik, Bhavik देखो, राम राम कर दो सबको। तो फ्रेंड्स, ब्लीच अप्लाई करने के बाद हमें 10 मिनट्स तक वेट करना है और 10 मिनट्स के बाद हमें ठंडे पानी से अपने फेस को धो देना है। तो मिलती हूँ आपसे फेस वॉश के बाद। तो फ्रेंड्स, इसको मैं हमेशा ब्लीच को पहले वाइप से हटाती हूँ। वेट वाइप से हटाने से का बहुत सही रहता है हमेशा, और उसके बाद हम इजीली फिर अपना फेस जो है वो वॉश कर लेते हैं ठंडे पानी। वॉश कर लीजिए। इसी से फेस पर काफी ग्लो आ गया है, एज यू इफ यू कैन नोटिस, यहाँ से बहुत ग्लो आ गया है। तो मैं आती हूँ फेस वॉश करके। तो फ्रेंड्स, फेस वॉश करने के बाद आप अपने फेस पर सनस्क्रीन लगा लीजिए एंड यू आर डन। तो बहुत ही इजी और सिंपल होता है, और इसी चीज़ के पार्लर में 250 रुपये तक लगते हैं। जिस पार्लर में मैं जाती हूँ उस पार्लर में 250, अदरवाइज नॉर्मल पार्लर्स में 100-150 रुपये तक लगते हैं ब्लीच के। तो वाई नॉट, तो मैं आपको इसका प्राइस बताती हूँ और आपको इनके इसके इंग्रेडिएंट्स भी बताती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। इसके साथ फ्रेंड्स एक पोस्ट ब्लीच पैक भी मिलता था, जो ब्लीच के बाद अपने फेस पर आप पैक लगा लीजिए एंड यू आर डन, तो वो बहुत अच्छा होता था। तो वो पैक जो है मैंने ख़त्म कर दिया है यूज़ कर करके, तो अभी तो वो पैक जो है मैंने ख़त्म कर दिया है। और इसमें होता है, इसमें है फ्रेंड्स कुकुम्बर एंड रोज़ पेटल्स, और बहुत ही अच्छी है ये। इसका प्राइस है, तो फ्रेंड्स इसका प्राइस सिर्फ 50 रुपीज़ है, और अमेजिंग अमेजिंग 50 रुपीज़ में ये बहुत अच्छी ब्लीच है, जो बहुत इजीली हर जगह अवेलेबल है कॉस्मेटिक शॉप्स पर। तो आप ले लीजिए और ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए लाइक शेयर कमेंट कर कर कि आपको कैसा लगा। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय। यस यस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।